हम लोग बहुत सदमे में हैं जो ये जो बड़ा दुर्घटना हुआ है। दुखद घटना है बहुत। वो परिवार को चलाने वाला था, बहुत होनहार लड़का था, उसको पला डिंगा करके बहुत खर्च में डूबे थे। अब सोचे कि थोड़ा सा अपना कहीं नहीं बुलाया, बस वो DNA चेक करने के लिए गाजीपुर पापा को ले जाने के लिए व्यवस्था हो रहा है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं? वो बॉडी हम लोगों की मिल गए और जो भी मदद का जो स्रोत हो वो दे दें। नमस्कार, मैं अभिनेंद्र। उत्तर प्रदेश का जनपद गाजीपुर गम में डूबा हुआ है। गाजीपुर के चार दोस्त नेपाल गए, पशुपतिनाथ का दर्शन करने गए थे, भगवान का दर्शन करने गए, लेकिन विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जान गंवाने वाले अनिल जहूराबाद में, तो अभिषेक धरवा में जनसेवा केंद्र का संचालन करते थे। विशाल शर्मा अलावलपुर में एक बाइक एजेंसी में फाइनेंस का कार्य करते थे और सोनू जायसवाल कॉन्ट्रैक्ट पर सारनाथ में शराब की दुकान का संचालन करते थे। हंसी खुशी से परिवार का जीवन चल रहा था, लेकिन इस हादसे ने मां की गोश सूनी कर दी, पत्नियों का सुहाग उजाड़ दिया और मासूमों के सिर से पिता का साया उठा दिया। चक जैनम निवासी राजेंद्र जायसवाल के पुत्र सोनू जायसवाल पांच भाइयों में सबसे छोटे थे। वह वाराणसी में शराब की दुकान का संचालन करते थे। सारनाथ में पत्नी रागनी जायसवाल एक पुत्र और पुत्रियों के साथ रहते थे। हादसे के बाद पिता राजेंद्र जायसवाल और मां रोते रोते अचेत हो जा रहे हैं। परिवार के लोग सोनू जायसवाल की पत्नी और बच्चों को घर लाने के लिए सारनाथ रवाना हो गए थे। रामकृष्ण जायसवाल चक जैनब जहूराबाद। ये सोनू जी जब यहाँ से नेपाल के लिए गए थे तो क्या आप लोगों को बता के गए थे कि हम कहाँ जा रहे हैं? तो परिवार को बताए थे। तो यहाँ से किधर से वो नेपाल गए? यहाँ रक्सौल गए पहले। उसके बाद तो वहाँ से फिर आपसे कोई टेलीफोनिक संपर्क हुआ? उनके परिवार से एक बार बात हुआ था बस। तो ये कैसे पता चला प्लेन क्रैश के बारे में? मोबाइल के माध्यम से आ गया था। वो उस समय वो कर रहे थे, वीडियो कर रहे थे, लैंडिंग कर रही थी तो प्लेन, तो वीडियो सब पे आ गया जो उनके साथ में जुड़ा है, तो सब लोग देखा। तो जो आप प्रशासन और सरकार चाहेगी वही ना हम लोग भी करेंगे। तो आज कहीं नहीं बुलाया है, बस वो DNA चेक करने के लिए गाजीपुर पापा को ले जाने के लिए व्यवस्था हो रहा है। और ना बरसा थाना अध्यक्ष आए थे, ना कोई आया था बाजार में, ना DM साहब आए थे, बस वही मजिस्ट्रेट साहब आए थे। लेकिन अब तो गम का पहाड़ टूट पड़ा है। इसी गांव के रहने वाले अनिल राजभर दो भाइयों में छोटे थे, जहूराबाद में जनसेवा केंद्र का संचालन करते थे। घटना की जानकारी होते ही पिता रामदरस राजभर और माता सरस्वती देवी के रोने बिलखने से गांव में मातम छा गया। बड़ा भाई सुनील दरवाजे पर आ रहे ग्रामीणों को देखकर बेसुध हो जा रहा था। परिजनों की इस दशा को देख ग्रामीणों की आंखों से भी आंसू बहने लगे। गम का माहौल बन गया, लोग शोक में डूब गए। चाचा का नाम बाप का? रामदरस। ये बताएं कि अनिल कहिया गए नेपाल खाती? अनिल गए 12 तारीख के, 12 के वो प्लेन का हादसा हुआ। तो एक आदमी 10 बजे बताया कि वहाँ तो नेपाल में ट्रेन हादसा हो गई है। तो हम कहा अरे गए लोग होंगे, तो वो बस पर हो यहाँ
ट्रेन हादसा भइल होई तो बस वस पर वहीं लोगों में थोड़े लोग बैठे, लेकिन 2-3 बजे के बाद में क्लियर पता चला, उनका भी नाम दिया। अब दुकान हमारी छोटी मोटी है, उसी पर हम बैठते हैं। और ये बताइए कि इस हादसे की जानकारी होने के बाद प्रशासन के लोग, कोई लोग आपके आए थे? प्रशासन के लोग आए थे, तहसीलदार वगैरह लोग आए थे। डीएम साहिबा आई आपकी? डीएम साहिबा तो नहीं आई। क्या लगता है डीएम साहिबा को आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्यों, जरूर आना चाहिए, इतनी बड़ी हादसा हुई और जानकारी होते हुए भी नहीं आएंगी तो कैसा रहेगा। आपको जो क्षेत्रीय विधायक है उनकी क्या स्थिति, कुछ जानकारी है उनके बारे में? कुछ नहीं, उनके बारे में भी जानकारी नहीं है, वो भी नहीं आए। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, वो बॉडी हम लोगों की मिल जाए और जो भी मदद का जो स्रोत हो वो दे दें। अलावलपुर अपंगा निवासी विशाल शर्मा टीवीएस बाइक एजेंसी में फाइनेंस का काम करते थे। चक जैनब गांव से करीब 8 किलोमीटर दूर रहने वाले विशाल शर्मा भी मित्रों के साथ पोखरा गए थे। 3 बहनों और भाई विश्वजीत, पिता संतोष शर्मा और माता सरिता देवी की आंखों में आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गांव के लोग उन्हें समझाने में जुटे हुए हैं, लेकिन भला समझ में क्या आए, अब तो बेटा नहीं रहा। धरवा गांव निवासी अभिषेक सिंह कुशवाहा जनसेवा केंद्र का संचालन करते थे। 2 भाइयों में छोटे अभिषेक परिवार के सबसे चहेते थे। विमान हादसे की जानकारी होते ही पिता चंद्रमा सिंह कुशवाहा और माता मानती देवी, बड़ा भाई अविनेश रोते रोते बेहोश हो जा रहे हैं कि बेटा अब घर कब आएगा। मेरा नाम चंद्रमा मौर्य। चंद्रमा जी, अभिषेक जब नेपाल घूमने के लिए कब गए थे और क्या आप लोग से कह कर गए थे? वो 12 तारीख को दोपहर बाद गए थे, 4-7 में गए थे और वो जन सेवा केंद्र चला रहे थे और वो नेपाल घूमने के लिए गए और वहाँ पे जो है जहाज हादसा हुआ, उसी में जो है अभिषेक की शादी हुई थी? नहीं, अभिषेक का भी शादी नहीं हुआ था। क्या शादी के लिए कोई बातचीत चल रहा था या कुछ? शादी के लिए सोच रहे थे, तब तक दुखद घटना हो गई। शव को लाने के लिए क्या जिला प्रशासन की तरफ से कोई मदद मिलेगा या आप लोग कैसे होगा? यहाँ से लोग जा रहे थे सब्र के लिए तो बोले कि नहीं, वहाँ पर नहीं हो पाएगा और वो सीधा सीधा प्रशासन द्वारा ही मिलेगा, ये अपने देश का नहीं है। ऐसे में प्रशासन से आप लोग कुछ कहना चाहते हैं? प्रशासन से यही चाहते हैं कि हमारा जो है दुखद घटना है, बहुत वो परिवार को चलाने वाला था, बहुत होनहार लड़का था, उसको पढ़ा लिखा करके बहुत खर्च में डूबे थे। अब सोचे कि थोड़ा सा अपना परिवार सुरक्षित हो जाएगा तो यह दुखद बहुत घटना घट गई। विमान हादसे में 4 दोस्तों की मौत की खबर से जिले में शोक की लहर है। पीड़ित परिवार नेपाल के लिए रवाना हो गया है। हादसे से पहले का एक वीडियो भी सामने आया है। गाजीपुर के सोनू जायसवाल हादसे के वक्त फेसबुक पर लाइव थे। पहले वह विमान के अंदर और फिर बाहर का नजारा दिखाते हैं। इस दौरान विमान में सभी यात्री खुश भी नजर आते हैं। कुछ सेकंड बाद विमान हवा में गोते खाने लगता है, अचानक आग की लपटें दिखाई देने लगती है और प्लेन क्रैश हो जाता है और क्रैश होने के बाद ये प्लेन उन 68 यात्रियों की जान ले लेता है। ये प्लेन क्रैश जो नेपाल में हुआ है उसमें हमारे गाजीपुर जनपद के 4 नवयुवकों की जान गई है और जब से कल सूचना मिली है हम लोग उनके टच में हैं, फैमिलीज के जो हमारे SDM तहसीलदार ने विजिट किया उनकी फैमिलीज को और हम लोगों ने एम्बेसी से कोऑर्डिनेट किया है और आज की अपडेट ये है कि उनके परिवार के लोग उसमें जो 4 विक्टिम्स हैं उनके परिवार से एक एक उनके जो पिताजी या भाई गए हैं, साथ में गांव के प्रधान जी गए हैं, कुल मिलाकर 8-9 लोग 2 वाहनों से रवाना किए गए हैं। ये पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है और ये लोग कल तक पहुंचेंगे काठमांडू जहां उनको पार्थिव शरीर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के बाद और प्रोसीजर्स के बाद हैंडओवर की जाएगी और फिर विधिवत सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरा करके ये बॉडीज़ साथ में ही बाय रोड जनपद में वापस आएंगी और इसके लिए पूरी व्यवस्था प्रशासन द्वारा की जाएगी और इसमें संभवतः 2-3 दिन लगने का समय लगने का की आशंका है। हाँ, मैं कंटिन्यूसली जो वहाँ पे अटैचे काउंसलर हैं दिवाकर शर्मा जी, उनसे मैं बातचीत कर रही हूँ और सभी व्यवस्थाएँ हो रही हैं और ये लोग जो बॉर्डर पर जाएंगे उनके साथ जो परमिट
रहता है बॉर्डर पे, फॉर्मेलिटीज होती हैं उसके लिए हमारे प्रशासन के भी दो लोग साथ में गए हुए हैं और एम्बेसी वाले भी इनको हेल्प करेंगे और वो काठमांडू पहुँचेंगे कल तक और फिर बॉडीज के आइडेंटिफिकेशन के बाद सारी फॉर्मेलिटीज कम्प्लीट होने के बाद बॉडी यहाँ आ पाएगी। परिवार के लिए बड़ा कठिन सब अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। वहाँ पर जो पोखरा में इंसिडेंट हुआ है तो पोखरा में ही बॉडीज की शिनाख्त की जा रही है, उसके बाद फॉरेन नेशनल्स क्योंकि हमारे जनपद के लोग वहाँ फॉरेन नेशनल्स हैं उनकी बॉडीज काठमांडू लाई जाएंगी और काठमांडू में उनकी शिनाख्त होगी। तो अभी किस कंडीशन में है इसके बारे में एम्बेसी से हमें जानकारी नहीं मिली है, इसीलिए आइडेंटिफिकेशन के लिए घर के लोगों को बुलाया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो उनके DNA से भी इनका मैच कराया जाएगा। हम लोग होम डिपार्टमेंट में और आपदा विभाग में हम लोग टच में हैं, शासन को अवगत करा दिया गया है और हमारी संवेदनाएँ परिवार के साथ हैं, साथ ही उनके परिवार को जो भी सहायता होगी वो मुहैया कराई जाएगी। अभी हम लोगों ने उनकी व्यवस्था कराई है वहाँ तक जाने की, वहाँ से पार्थिव शरीर लाने की व्यवस्था पूरी की गई है। साथ ही मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से हमने चारों विक्टिम्स का प्रपोजल बनवा दिया है जो शासन को हम संदर्भित करेंगे और साथ ही पारिवारिक लाभ योजना में चारों लोग पात्र होंगे तो उसकी फॉर्मेलिटीज़ भी पेपर वर्क अभी चल रहा है और वो उनको मुहैया कराया जाएगा। और यदि किसी के नाम कोई कृषि भूमि होगी तो कृषि दुर्घटना बीमा का भी लाभ उनको मिलेगा। तो इन सब चीज़ों पे हम काम कर रहे हैं और हर पॉसिबल मदद उनको हम लोग मुहैया कराएंगे।